नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी घर। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन ऑयल की जो कि आपकी पिगमेंटेशन के लिए बनाया गया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। अगर आपको अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है या किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, तो आप यूज़ कर सकते हो नियोवेदा मिरेकल ऑफ आयुर्वेदा पिगमेंटेशन रेड्यूस प्योर एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें कई तरह के ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें आलमंड ऑयल है, इसमें फ्रूट्स ऑयल का यूज़ किया गया है, इसमें है ग्रेप सीड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, इसमें कई तरह के ऐसे ऑयल यूज़ किए गए हैं जो कि आपकी स्किन से मेलानिन को कम करते हैं। अगर आप कोई एक ऑयल लेते हैं तो वो एक तरीके से ही काम करेगा, लेकिन इस ऑयल में चार ऐसे ऑयल यूज़ किए गए हैं जो आपकी स्किन पर अलग अलग तरीके से मेलानिन को कम करता है। और जब मेलानिन कम होता है तो आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन भी कम होती है। ये 10 ml की पैकेजिंग में आता है, 450 इसका प्राइस है, इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 2 साल की आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में भी यूज़ कर सकती हो, अपने फेस को वॉश करने के बाद में, चाहे तो आप अपने पूरे फेस पर लगा सकते हो या जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ अच्छे से 5 मिनट तक आपको इसे मसाज करनी है, फिर ऐसे ही छोड़ देना है, रेगुलर यूज़ करना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हर एक उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यूज़ करने लगेंगे तो एक हफ्ते के अंदर ही आपको दिखेगा आपकी जो डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन है वो हल्का हल्का धीरे धीरे लाइट हो रहा है, क्योंकि वहाँ से मेलानिन कम होता है। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा, आपकी स्किन इवन होने लगेगी, पिगमेंटेशन भी कम होने लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।